सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। वैसे तो दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, आप तीनों में से कौन सी लगवाना पसंद करेंगे? भाई जिससे भी मुझे आराम आ जाए। कैसे पता लगेगा आराम किससे आ रहा है? वो देखिए, इंडियन वैक्सीन से आराम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। किससे आराम नहीं आएगा? इंडियन वैक्सीन से। मैं बड़ा वोकल रहा हूँ, एंड आई हैव, अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आप इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करें। इंडिया टुडे ने मेरी वो वीडियो डाउनलोड करके अपने, वो गौरव सावंत ने अपने चैनल में चला दी, इंडिया टुडे में उसकी मेरी वीडियो चला दी, और वो अपने उन्होंने डाउनलोड की उसको, और उसने वो अपने कट्स बना बना के पता नहीं किस तरह उन्होंने किया, तो वो उन्होंने लगाया। देखिए जी, कंवर चीमा कह रहे थे कि इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सी बात है। देखें, एज लॉन्ग एज मैं तो इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ, पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई, ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि वो जो कोविड के चक्कर में इन्होंने हमें मेडिसिन भेजनी है, जो भेजनी है वैक्सीन, वो भेजे, ये उसके ऊपर बैठ गए, ये वो वैक्सीन ही नहीं भेज रहे ममालिक को, और कह रहे नहीं। इन्होंने क्या किया है कि कोवैक्स ने एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था, अच्छा उसमें यह है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन जानी है कोवैक्स के अरेंजमेंट में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए पहले रख लिए, खुद ही बना के खुद ही अपने लिए रख लिए, और बाकी कह रहे थानू सी बात देने हैं, एक ही तरीका भाई। सो इसमें तो पूरी दुनिया जो है इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी वैक्सीन के ऊपर बैठ गए हैं, जरूरत आपको भी है, ये नहीं है कि जरूरत नहीं है, और जारी, और इनका भी कोई कसूर नहीं है, वो सप्लाई चेन के मसले हैं, इनके पास सप्लाई नहीं आ रही। वो अमेरिकन जो कंपनी है, उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक 1950 का एक एक्ट है वो लागू कर दिया है कि जी क्योंकि पहले डोमेस्टिकली जरूरत है, तो वो जो आना था रॉ मटेरियल वो इंडिया नहीं पहुंचा, तो कुछ गलतियां इनकी भी हैं और कुछ इनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो मेरे लिए और लोगों के लिए अच्छी है वो लगा लें। मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे कमर ने जो दो तीन बातें बोली है। देखिए कमर, आपको एस्ट्राजेनेका जो कि इंडियन वैक्सीन है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन की, विच इज कॉल्ड गावी, उसके थ्रू मिल रही है। दूसरी बात ये कहना कि आप इंटर कंट्री लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी अभी आप, लेकिन शुगर और कॉटन की रिक्वेस्ट करके फिर यूटर्न मार जा रहे हो, तो फिर पेंडेमिक वाली वैक्सीन वाली रिक्वेस्ट आप तो खरीदनी होगी ना, आपको आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आप अगर नई इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहते हैं, उन कंपनीज को डायरेक्टली कर लीजिए, पर गावी के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान को ऑलरेडी मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात आपका ये कहना कि इंडियंस ने वैक्सीन रख ली है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का, हमने तो, मैं आई कवर फॉरेन अफेयर्स, और पिछले एक महीने में जहां जहां पर इंडियन एम्बेसडर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन भेजी है ना, उन कंट्रीज के नाम भी मैं नहीं सुना था, क्योंकि मैं 10-12 साल से फॉरेन अफेयर्स कर रहा हूं। उन कंट्रीज को, कैरिबियन कंट्रीज को भेजी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 72,000 है, वो एक वैक्सीन का डब्बा लेने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये कहना कि इंडिया ने वैक्सीन दबा के रख ली यहाँ पे, मैं आपको, देखिए 3 महीना हो गया हम फोर्थ मंथ में, आपको, आपके ऑडियंस को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। जनवरी में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, मिड जनवरी में, वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल वैक्सीनेशन कितने हुए? ओनली 8 करोड़, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड डबल शॉट्स, ओनली 8 करोड़ हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 है, अगर हम दबा के बैठे होते तो 3 महीने में खाली 8 करोड़ थोड़ी ना वैक्सीन लगती, हम दबा के बैठे होते तो 72,000 पॉपुलेशन वाली कंट्री को थोड़ी नहीं जाती। जहां तक रही बात कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, किस कंट्री को मिलनी चाहिए, वो तो या तो कंट्री गावी के थ्रू ले ले, या तो कंट्री उस प्राइवेट कंपनी को ले, फाइजर से किसी से बात कर ले,
किसी से आप भारत बायोटेक से बात कर ले, दीज आर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे रिक्वेस्ट तो भेजे। आप मुझे बताइए किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आपने भेजी ही नहीं, ना कंपनी को भेजी ना गवर्नमेंट को भेजी। हाउ कैन यू क्लेम कि हमें नहीं दी, हमें देनी चाहिए? आप भेजिए तो सही, आप मांगिए तो सही, और जो नॉर्म है इंटरनेशनल गावी के थ्रू, उसके थ्रू तो आपको मिली नहीं है। लेकिन बिल्कुल आशीष जैसे कह रहे हैं चीमा साहब, आपने बात सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी साथ ही जोड़ दूं चीमा साहब आपसे पूछने के लिए कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं ट्रेड शुरू करने के लिए, शुगर लेंगे, कॉटन लेंगे, ये वो, और उसके बाद एज अ मिनिस्टर इमरान खान जो है जब प्राइम मिनिस्टर को भेजते, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ ये क्वेश्चन में, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब इमरान खान अपने आप को ही मना कर देते हैं, मतलब ये एक अजीब सी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो कि कुछ आर्टिकल्स भी आए, इंडिया में भी आए कुछ आर्टिकल्स इस बारे में लिखा गया कि एक तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान के लोगों की सोच, पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इंडियन मीडिया पर काफ़ी आते हैं, इस तरीके की बातें करने के लिए अब जाने भी जाते हैं। ट्विटर आप अगर इनका फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे इनका माइंड सेट क्या है। तो ये बोल रहे हैं जनाब कि भारत ने जो पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने वाली थी 4.25 करोड़, वो घप करके खा ली है, इस तरीके की बात पाकिस्तान से हो रही है। अब आप समझो दोस्तों क्या मतलब पाकिस्तान की सोच है। आपको भी पता है कि भारत वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद गावी के थ्रू ये वैक्सीन गरीब देशों में जानी थी, लेकिन हुआ क्या कि भारत में कोविड केसेस इतने ज़्यादा आने लगे कि भारत ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि अभी हम किसी भी देश को फ्री में या तो पैसे में वैक्सीन नहीं दे पाएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर की खुद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। सीधी बात, और ये सच भी है। आपको भी पता है भारत में कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, भारत में कोविड केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मतलब पुराने रिकॉर्ड तो टूट ही गए और नए प्रतिदिन रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो अब होगा ऐसा कि कोविड वैक्सीन भारत में लग भी रही है तो 45 प्लस वालों को लग रही है, 45 से जो ऊपर के हैं उससे नीचे वालों को लग नहीं रही है। इसका रीज़न सीरियसली सिंपल है, क्योंकि हमारे पास कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम ऐसा कुछ मैजिक जादू नहीं कर सकते कि एक दिन में 50 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस कर लें और भारत के लोगों को बांट दें। आपको भी पता है मशीन है, लिमिटेड काम करती है। अगर वो एक दिन में 5 लाख वैक्सीन प्रोड्यूस करती तो भारत तो एक दिन में 10-15 लाख वैक्सीन लगा रहा है, 40 से 50 लाख तक वैक्सीन लगा चुका है भारत, अभी तक लगभग 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है भारत। तो आपको भी पता है कि भारत को टाइम चाहिए दूसरे देशों को वैक्सीन देने के लिए, लेकिन कमर चीमा ने बोल दिया कि भारत घप करके पाकिस्तान की वैक्सीन खा गया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अभी तक 10 लाख से 20 लाख वैक्सीन के ऑर्डर किए हैं। ये है इनकी मतलब लोगों को हेल्थ के लिए इनकी ये सोच। ये हथियार खरीदने के लिए तो क्या क्या हथियार खरीदे बैठे हैं, आपको भी पता पिद्दी सा देश है, लेकिन हथियार देखो तो जमाने भर के हथियार हैं, हालांकि फिर भी भारत से पिटता रहता है। तो इनकी सोच ये है, 10 से 20 लाख वैक्सीन खरीदी, इनके यहाँ 5 से 6 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगती है पर डे पर, वो भी मतलब आप भी समझ लो कि जो VIP वाले उनको लगती है। तो ये हालत है पाकिस्तान की और ये सोच है। तो आपको भी पता कि दोस्तों भारत में वैक्सीन की क्या सिचुएशन है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई 45+ का मेंबर है तो प्लीज़ उसे वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री में लग रही है, आधार कार्ड ले जाएं, तुरंत लगवाएं, 5-10 मिनट में फ्री हो जाएं, कोई इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, दर्द वर्द और ये बुखार हल्का फुल्का, ये एक दिन में चला जाता है। इतना तो हर दवाई में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है, आपको भी पता है सिर दर्द की गोली भी आप रेगुलर खाओगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट रहेगा, कोई ना कोई चीज़ तो रहता ही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।